सुग्रीव और बाली के युद्ध में भगवान राम ने सुग्रीव का पक्ष लिया और बाली का वध किया। लेकिन बाली जाते जाते एक ऐसा काम कर गए कि वो एक पिता के रूप में दुनिया में अमर हो गए। बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया और अंगद से कहा, तुम्हें भगवान राम के आदेशों का पालन करना है। लोग ये देखकर हतप्रभ हो गए। जिस व्यक्ति ने उनका वध किया उसी के आदेश का पालन करने को कह रहे हैं, लेकिन वो पिता थे, वो जानते थे अंगद के लिए सही क्या है, अंगद अपने सर्वोच्चता को कैसे पाएगा, अंगद की प्रतिभा का सही मूल्यांकन कहाँ होगा। और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शत्रुता को छोड़ते हुए, अपने बैर को छोड़ते हुए, अपने वैमनस्य को छोड़ते हुए अपने पुत्र को राम की शरण में भेज दिया और एक पिता के रूप में अमर हो गए। और उस अंगद को सलाम है जिसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की जगह अपने पिता के आदेश को शिरोधार्य किया और राम के शरणागत हो गए। क्यों? क्योंकि अंगद जानते थे मेरे पिता मेरा अहित नहीं चाह सकते। दुनिया का कोई भी पिता अपने पुत्र का, अपनी पुत्री का, अपनी संतान का अहित नहीं चाह सकता। आज मैं दुनिया की हर संतान से ये कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके और आपके पिता के बीच, आपकी माता के बीच जेनरेशन गैप, हो सकता है आपके सोचने के तरीके अलग हो सकता है आपका एक्सपोजर अलग हो सकता है आपको सुख सुविधाएं अलग लेवल की मिली हो सकता है आपका एजुकेशन अलग हो, लेकिन एक बात कभी अलग नहीं होगी, दुनिया का हर पेरेंट, दुनिया के हर माता पिता अपनी संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। उनके शब्द गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती, उनकी टोन गलत हो सकती है, उनकी नीयत गलत नहीं हो सकती। यदि दुनिया में किसी की सर्वश्रेष्ठ नीयत होगी आपके लिए तो आपकी मम्मी की होगी, आपके पापा की होगी। इसलिए यदि वो किसी बात पर आपको रोक रहे हैं तो भले ही वो आपको पसंद ना आए, लेकिन एक बार पुनर्विचार जरूर करना, क्योंकि उनकी नीयत आपके लिए गलत नहीं होगी। यदि वो किसी काम को करने से मना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का साथ देने से मना कर रहे हैं, तो एक बार पुनर्विचार जरूर करना, क्योंकि दुनिया में सारे लोगों के व्यक्तिगत हित हो सकते हैं, लेकिन जिस माँ ने घर में दो रोटी बनी, वो दोनों रोटी आपके सामने रख दी और खुद भूखी रह गई, उस माँ की नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। जो पिता खुद साइकिलों पर चले, जिन्होंने तकलीफों में अपना जीवन जिया, लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ स्कूल में अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पढ़ाने का निर्णय दिया, आपको हर सुविधा जितनी उनके बस में थी वो देने का निर्णय लिया, वो पिता कभी गलत नहीं हो सकता, उसकी नीयत आपके लिए गलत नहीं हो सकती। आपको अपने पेरेंट्स से असहमत होने का अधिकार है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको आपके पेरेंट्स से असहमत होने का अधिकार तो है, लेकिन उनका अपमान करने का अधिकार नहीं है। कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता की नियत पर संदेह मत करना, क्योंकि बाली मरते मरते भी अपने पुत्र अंगद का भला सोचते रहे, ये कहने की जगह कि जिसने मुझे मारा है उससे बदला लेना, उन्होंने ये कहा जिसने मुझे मारा है वो दुनिया का श्रेष्ठतम व्यक्ति है, उसके शरणागत हो जाना।